अंग्रेज की औलाद हमारी शर्तों को मानना पड़ेगा वरना एक एक करके खत्म कर देंगे। हमारे आदमियों को कितना तड़पाया होगा तुमने। बिहारी, तमिलनाडु का होम मिनिस्टर, तुम्हें यहाँ बुलाने की वजह जानते हो? हिंदुस्तान के सुकून को मिटाने के लिए। इंडिया का सुकून मिटाने के लिए नॉर्थ में दिल्ली या मद्रास में बार बार बॉम्ब रखकर उन्हें डराना अब बहुत हो चुका है, ये तुम भी जानते हो। किसी ने भी नहीं सोचा होगा अब तुम्हारे चेन्नई में हमें अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए तुम्हारे शहर को बर्बाद करना है। मुझे पता है कि मैं इन सब कामों के लिए परफेक्ट इंसान हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ लेकर आए हो। मैं वादा करता हूँ कि मुझ जैसा कमीना इंसान तुम्हें पूरे चेन्नई में नहीं मिलेगा। I am the worst person in whole Chennai. नीलगिरी में पूरा गांजा एस्टेट, ऑल फूड आइटम्स में मिलावट, देसी दारू की फैक्ट्री 4 है, ऑल गर्ल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दुबई यमन वमन। मुझसे पहले जो होम मिनिस्टर था उसे मार कर आई बिकेम द होम मिनिस्टर। अब अगले एक साल तक सिर्फ हमारी सरकार है। आपने जैसा कहा कि 500 करोड़ का मेरा बैंक बैलेंस 5000 करोड़ हो जाए, उसके लिए तमिलनाडु के ऑल गेट्स ओपन फॉर यू। अब मुझे क्या करना है बताइए। चेन्नई में हर तरह बम ब्लास्ट करवा के तबाही मचा दो। पूरे चेन्नई में बम ब्लास्ट हमने करवाया है, ये जानकर इंडिया को डरना चाहिए। ब्लास्ट करो, पूरे चेन्नई को शमशान बना डालूंगा। मॉर्निंग चंदन। मॉर्निंग नेताजी मस्त एक्टिंग करते हैं ना? के लिए हमारे गृह मंत्री माननीय राज बिहारी। हाँ भैया छोटे, देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, सही निशाना लगाया। मैंने सोचा था कि अपने लड़कों के लिए ये काम नया होगा, लेकिन कितनी सफाई से इन्होंने ये काम किया। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है। वो भी हम लोग देख लेंगे भाई। ये सब तो चल ही रहा था, अब तक दूसरे शहरों में आतंक था, लेकिन अब तमिलनाडु में भी हमला हुआ है। पता नहीं ये बॉम्ब ब्लास्ट कब रुकेगा। अरे वहाँ क्या देख रही हो, यहाँ देखो, सब ऑन स्पॉट पे घुस घुस के फोटो खींचे हैं मैंने। इसे दिखाएंगे तो सभी अखबार वाले मुझे दो करके मेरे पीछे भागेंगे। क्या हुआ भारती? जरा सोचो राघव, हम लोग अच्छी जॉब छोड़कर फ्रीलांस एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। सुबह जब इसके पापा फ्लाइट पकड़ रहे थे उस समय भी कहा कि मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें न्यूयॉर्क टाइम्स में नौकरी दिलवा दूंगा। तूने भी सुना था ना, टाइम्स की नौकरी छोड़कर यहाँ पर ये क्या कर रही है, तुम देख रहे हो ना? ये क्या है भारती, ये भी तो जर्नलिज्म ही है ना? तुम चाहते हो कि तुम्हारी ली हुई फोटो सिर्फ एक न्यूज बनकर रह जाए? पेपर पढ़ने वालों को खुश रखने से ज्यादा उस प्रॉब्लम से जो गुजरे हैं उन्हें कोई सलूशन मिले तो वो है असली जर्नलिज्म और तुम्हारी जीत। हम अपने पहले प्रोजेक्ट में ही वो करके दिखाएंगे भारती। इस जगह पर मीडिया से अब तक कोई नहीं आया।
हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा. ओके ओके श्योर. आइटम से अच्छी अच्छी इस बार की आइटम है. दोनों पीछे वाली लड़की को ले आओ. क्यों नहीं, ए, उन लड़कियों को लेकर आओ. देख लो सेठ, लड़कियां अच्छी हैं. प्रेस वाले अंदर आ गए. हमारे अड्डे में प्रेस वाले घुस गए. उन सालों की लाश भी नहीं मिलनी चाहिए. हमें एक साथ नहीं जाना चाहिए. हमने जो भी शूट किया है वो तुम जाकर न्यूज चैनल को दिखाओ. अरुण और मैं पुलिस स्टेशन जाते हैं. दो लड़के और एक लड़की भी साथ में थी. शायद वो लोग प्रेस वाले थे. प्रेस वाले थे. सब मिले हुए हैं. Everybody is linked up, है ना? हाँ बोलो भारती. सुनो, पुलिस भी इनसे मिली हुई है. तुम थोड़ा सेफ रहना. बाप रे भारती, वो लोग यहाँ भी आ गए. ओह गॉड, टेप को लेकर किसी भी तरह आ जाओ. हंसना मत. बाहर आ गए ना? No problem, मैं बाहर आ चुका हूँ. अन्ना यूनिवर्सिटी की तरफ आ जाओ. हम वहाँ वेट कर रहे हैं. क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है. जल्दी चलो. हमने गलती कर दी भारती. हम तो आग बुझाने गए थे लेकिन वो बड़ी सी ज्वालामुखी निकली भारती. इन्हें बुझाना सोचना तो बस एक सपना ही है भारती. तुम चली जाओ भारती, तुम चली जाओ. इन कमीनों के हाथ लग गई तो तुम बर्बाद हो जाओगे. निकल जाओ. चिल्लाती हो ना. चलो एक अच्छी न्यूज देता हूँ. कल जो गांधीनगर में ब्लास्ट हुआ था ना, उसमें हमारा ही हाथ है. ये तो शुरुआत है. अगले शुक्रवार को फिर एक बॉम्ब ब्लास्ट होगा और फिर चेन्नई के हर कोने कोने में ब्लास्ट होगा. अब कौन है हमारे पीछे, कौन कौन है, ये जाने बिना तो हमसे खेलने निकली है. सब बड़े बड़े लोग है. जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है वो तू सीधा ऊपर जाकर सैटेलाइट से टेलीकास्ट करना. निकाल यहाँ से. चल अपना काम हो चुका है, अपन लोग निकलते हैं. Oh!
अगले शुक्रवार को फिर एक बॉम्ब ब्लास्ट होगा और फिर चेन्नई सिटी के कोने कोने में ब्लास्ट होगा। इतने न्यूज काफी है ना? हमने गलती कर दी भारती, हम तो आग बुझाने गए थे लेकिन वो बड़ी सी ज्वालामुखी निकली भारती। मुझे जो न्यूज मिली है उसे मैं सिर्फ न्यूज बनकर नहीं रहने दूंगी। एक सूचना, कल के बॉम्ब ब्लास्ट से बेगुनाह लोगों को मारने वाले इन तीनों को मैंने मार डाला है। अगले शुक्रवार को भी बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, यह मुझे पता है। मैं उसे रोकूंगा। अब मैं उनके लिए यमराज बनकर आया हूं, वीर सिंह। सुपर हीरो। कल जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उस बॉम्ब रखने वाले को मैंने मारा है। अगले शुक्रवार को भी वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं, ये भी मुझे पता है। मैं वो भी रोकूंगा। वीर सिंह सुपर हीरो। इन्हें लगता था कि इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन आ गया सुपर हीरो। तुझ पर भरोसा करके पता है मैंने कितना बड़ा काम लिया है। गलती कहाँ पर हुई? हम चार पांच लोगों के अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता, लेकिन उसने कैसे लिखा वो समझ में नहीं आ रहा है। अगले प्लान से पहले डर लग रहा है भाई। मैं राजनीति में भी नहीं डरता हूँ, इस बिना पता वाले लड़के से क्या डरूंगा। प्लान के हिसाब से बॉम्ब उसे बदलने के लिए कौन सा सुपर हीरो आता है दिल? औजार से आदमी नहीं सीट भी पकड़ सकते हैं। सीट पकड़ना था तो पहले बोलना चाहिए था ना। सीट पर चाकू लगा जाकर बैठ जा। बेटा अगर छू लिया तो करंट लग जाएगा, बॉर्डर ही लगा देता हूँ। गलती से हाथ लग गया। इतना क्यों चिपकती है तू? तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ, इतना तो चिपक ही सकती हूँ। अच्छा, तेरी इच्छा से कुछ नहीं होने वाला, मेरी भी इच्छा होनी चाहिए। तो अभी तक इच्छा नहीं हुई। अंदर जा, अंदर जा। जरा हटना। आइए काका, आइए। अरे मेरा हाथ बाद में पकड़ना, मेरी बेटी बैठ गई क्या? आइए आंटी। ए अब्दुल्ला पांडे, तू कौन है रे? तू लिस्ट में नहीं है क्या रे? तुम टीटी से मजाक करता है? ओए, अपना चेहरा देखा है क्या? आया बड़ा टीटी। तुम ये बताओ कि तुमने चेन क्यों खींचा? ए टकले, अगर हमारे गांव में ट्रेन रुकती ना तो हम चेन नहीं खींचते। चेन खींचा है ना तब तो सजा नहीं, पैसे भरने पड़ेंगे तुम्हें। पैसे मांग रहा है? पैसे नहीं है तो फिर ट्रेन से नहीं जाओ। कौन है जानता है क्या? कौन है? हमारे गांव का हीरो है। क्या कहा? इस धरती और सबके दिलों को हिलाने वाला ये एक सुपर हीरो है। स्टॉप, तुम कहते हो तो चुप हो जाता हूँ। चाहे किसी को भी हिलाने वाला हो, अगर मुझसे टिकट नहीं लेगा तो ये ट्रेन भी यहाँ से नहीं हिलेगी। उससे क्या मुंह लगा रहे हो? अपना गमछा फैलाओ यहाँ पर। ये लो अपने टिकट के पैसे।
पूरा गांव उसे ढोल ताशों के साथ विदा करने आया था। ये कोई बहुत बड़ा आदमी है। क्या बात करते हो, उसे परेशान होकर गांव वाले उसे गांव से भगाने साथ आए थे। क्या कहा, गांव से भगाने आए थे? और क्या, फिर से कोई बहाना बनाकर भाई कहीं वापस ना आ जाए, इसलिए हम गांव वाले घबरा रहे थे। आखिर ऐसा उसने क्या किया? जरा हाथ दो, मैं बताता हूँ। एक प्यारा सा गाँव, वहाँ के शांत लोग, लेकिन उसे ऐसे नहीं रहने दिया उसने। अरे ए, भाग मत, भाग मत। ए, 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 रुक, रुक, रुक। क्या हुआ बेटी, कैसा शोर है? शेर जी आए पिताजी। मुझे उल्लू बनाती है। ठीक है बेटी, दामादी का ध्यान रखना। तेरे जैसा बाप किसी को ना मिले। आजकल के बच्चे भी है ना, अपने आप को पता नहीं। मैं तुझे नहीं, मुर्गी को पकड़ने आया हूँ। फंस गई, पकड़ लो। तो तू हट जाएगी ना? हट जाऊंगी। हट जाएगी ना? हट जाऊंगी। देख 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 देख, चीटिंग मत करना। तू चिपक गई, मुर्गी भाग गई। अरे इतना सब कुछ एक मुर्गी के लिए? अपनी बहन के लिए। क्या बहन के लिए? हाँ भाई, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। पकड़ लिया भैया। पकड़ के ले आया ना। इतने में दिमाग उड़ गया क्या तुम्हारा? अगर बहन और भाई दोनों मिल गए तो सिर्फ गांव पर ही नहीं, गांव के कुएं पर भी आफत आ गई। वीर, मैंने गांव में दूध दे दिया है और बैंक में पैसे भी जमा कर दिए। ओए, ये कुएं का पानी नीचे क्यों गिरा रहा है तू? छोड़ ना यार, बोलूंगा तो यकीन नहीं होगा। पहले तुम बताओ तो भाई, कुएं के अंदर सोना है? हा? कसम से मेरी बहन कावेरी की कसम। हाँ? हमारे गांव के कुएं में सोना है। वीर ने अपने बहन की कसम खाई है। सोना है। हमारे वीर का दिल तो देखो कितना बड़ा है, अकेले ना लेकर पूरे गांव को सोना दिलवा रहा है। इसीलिए तो हमारे बाप दादाओं ने इस गांव का नाम सोनपुर रखा था। भैया वीर, ये गांव को दूध बांटने वाले हाथ हैं, तुझे इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। सी द प्लेस एंड टेक द रेस्ट। ए, बात क्या कर रहे हो? हां भाई, हां भाई, चलो चलो, खींचो, जल्दी करो। अरे भाइयों, देखो नीचे सोना है। अरे कहां है सोना? वहां नहीं है, ये इस गंजे का रिफ्लेक्शन है। पहले से छुपा। ओके मेरी दादी भाई। अरे ये क्या कर रहे हो पागल कहीं के, शर्म नहीं आती? कब तक ऐसे पानी को निकालते रहोगे? पंप सेट लगा कर निकालो। आओ भाग्यवान, सोना छान लो वरना पानी के साथ बह जाएगा। आ गई जी, आ गई। हाँ, ठीक से पकड़ो, नहीं तो सोना कहीं निकल ना जाए। पहले तुम अपने हाथ को संभालो, सोना मैं देखता हूँ। अरे कम से कम बाल्टी मेरे सर पे मत गिराओ। सोना मिल गया। क्या सोना मिल गया क्या? अरे कहाँ पर है, मुझे भी दिखाओ। छोटी की अंगूठी, सोना मिल गया। अबे 200 रुपए की अंगूठी, उसके चक्कर में तूने पूरे गांव वालों को बुलाकर पूरा कुआं खाली करवा दिया। इससे मेरे सेंटीमेंट्स जुड़े हैं, क्योंकि ये अंगूठी मेरे भैया ने मुझे दी थी। तूने पूरे गांव को बुलाया वो बात? सुपर्ब, आई लाइक इट। भाई ने इतनी मार खाई थी, दो दिनों तक दर्द के मारे भाई घर से बाहर ही नहीं निकले थे। भाई बहन में इतना ज्यादा प्यार, मैंने खाली सुना था, देखा नहीं था। भाई बिल्कुल सही कहा तुमने, ये दोनों भाई बहन गांव के एक पिक्चर हॉल में फिल्म देखने गए थे। भैया मैं तुम्हारे बगैर नहीं छिपाऊंगी भैया। मैं
मैं आपके साथ ही रहूंगी भैया, मैं ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। बहन, हमारे इस देश में बड़े भाई को पिता के समान समझा जाता है। ये सीन बहुत ही टचिंग है भैया, मुझे दोबारा देखना है। भाई ऑपरेटर, यस, ये सीन दोबारा लगाओ जरा। अरे देखे वो सीन को और कितनी बार देखेंगे पंडित जी। झप्पम झप्पी वाली एडल्ट फिल्म तुमने 5 बार देखी थी, उसके लिए मैंने कुछ कहा था, तो ये भी देखो ना। एक सीन को कितनी बार देखेंगे? अब कौन बोला? पिछली बार कोने वाली सीट पे औरत के साथ गुलछरे उड़ा रहे थे। तू एक सरपंच होकर ऐसी हरकत। वीर जरा सोच समझ के बोल, मैं गांव का सरपंच हूँ। तो आपको भी पैर को कंट्रोल में रखना चाहिए था। ए ऑपरेटर, छोटी का मनपसंद सीन लगा वरना फोड़ डालूंगा। बहन, हमारे इस देश में बड़े भाई को पिता के समान समझा जाता है। Once more. बहन, हमारे इस देश में बड़े भाई को पिता के समान समझा जाता है। Once more. बहन, हमारे इस देश में बड़े भाई को पिता के समान समझा जाता है। ये 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 तुम्हें देता हूँ, घर ले जाओ। आज के बाद तुम ठीक चलते कहीं आ मत आना। अरे बाप रे, इतना बड़ा हंगामा किया और गांव वाले ने कुछ कहा नहीं? एक दिन वो समय भी आ गया। हमारे गांव में हर साल हो रही इस दौड़ को जीतने के लिए आ गया है हमारे गांव की जान, हमारा शेर। हमारे गांव की इज्जत हमारे लिए जरूरी है, बस जीत कर आ जाना, समझे ना? क्या चाचा जी, आप ही, आपकी इज्जत मेरी इज्जत अलग अलग है क्या? देखते जाओ, कछुए की तरह जीत के बताऊंगा। दूसरे गांव के विजेता हमारे सामने है, देखना है कि आज कौन जीता है इस रेस को। कैसी लगी? इस रेस को जीतने वाले को पहला इनाम मिलेगा। इस अगर मेरा वीर जीत गया ना, तो मैं उसे सबके सामने एक प्यारी सी पप्पी करूंगी और इसी पलंग पर सुहाग रात मनाऊंगी। क्या सबके सामने है? कहाँ जा रहा है नंदिनी? ये तू जो किस देने की बात कर रही थी ना, वो गाल पे ही देगी ना? अरे नहीं होता, बड़ी समझदार है। उसका बाप है ना तू? ससुर हूँ। वीर क्या ससुर? अरे वीर का ही है कि पूरे गांव का है बे। जा रहे बेवकूफ। अरे 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 भैया, मुझे दूसरा नाम वो शीशे वाली अलमारी चाहिए। हाँ भैया। ये क्या? अरे वीर आगे बढ़ो। ये तूने क्या कर दिया छोटी, हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हर साल मेरे भैया इस गांव के लिए कप जीतते आ रहे हैं, इस साल मेरे लिए जीतने दो। भागना, तुमने कुछ गड़बड़ की है। इतने तो भाई, थैंक्स भाई। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ ओके ओके, आप चौथे नंबर पे हो, जल्दी जल्दी। वीर, तेरी और तेरी बहन की हरकतें मुझसे नहीं सही जा रही हैं। वीर, तुम दोनों को अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो आने वाले मेले में सब गांव वालों के सामने बेइज्जती करा दोगे, इसलिए तुम और तुम्हारी बहन मेले में बिल्कुल नहीं आओगे। तू और तेरी बहन मेले में नहीं जाएगी। सरपंच जी, इस आदेश को बदल मत देना। दौड़ भी अपनी बहन के लिए लगाई, नाच भी अपनी बहन के लिए ही, लेकिन अब शहर किसके लिए जा रहा है? अपनी छोटी बहन के लिए। कावेरी, तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारा भाई कैसे रहेगा, यही सोच रही हो ना? चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तुम उनकी फिक्र मत करो। तो फिर कौन करेगा? आराम से। क्या हुआ भैया? बताइए ना क्या हुआ? तुमने माँ को कभी नहीं देखा, यही हमेशा कहती थी ना तुम। सामने देखो।
आपके लड़के को लड़की पसंद आई ना? यहाँ आते समय तुम्हारे बारे में पूछा हमने। सुन छोटी, अपनी कहानी खत्म हुई, चल कोई और लड़का देखते हैं। ठीक है। गांव में तुम दोनों के बारे में किसी ने भी कुछ गलत नहीं कहा। किसी ने गलत नहीं कहा? तुम्हारे बारे में कभी हम गलत बोल सकते हैं क्या? वीर, तुम हमारे साथ कैसे भी रहो, लेकिन पूरी दुनिया में तुम्हारे जैसे भाई बहन कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ वीर, 8 साल की उम्र में जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़कर चले गए, तब से तुम अपनी छोटी बहन को कैसे पाल रहे हो, हम गाँव वाले देख रहे हैं ना। तुम दोनों भाई बहनों का प्यार एक मिसाल है, हम अपने बच्चों को तुम्हारा ही उदाहरण देते हैं। आप लोगों को अगर मंजूर है तो अपने घर की बेटी को आपके घर तक बिना किसी शिकायत के देने का हम पूरा जिम्मा लेते हैं। हमें ये रिश्ता मंजूर है। फिर क्या बात है, अगर माँ बाप होते तो ये इस घर की शादी होती, लेकिन अब पूरा गाँव शादी को करवाएगा। वीर, तुम पैसों की चिंता मत करना। वो बात यह है कि मैंने छोटी की शादी के लिए थोड़े पैसे एक चिट फंड में जमा कर रखे हैं, अब वो पैसे मिलने वाले हैं, बस मुझे चेन्नई के हेड ऑफिस में जाके वो पैसे निकालने हैं। बस इसीलिए ही हमारा पूरा गांव एक साथ शहर जा। ये लो बेटी। थैंक्स अंकल। मैडम। थैंक्स। आप लोग। आतंकवादियों ने धमकी दी है कि आज चेन्नई में बॉम्ब ब्लास्ट होगा, जिसका महानगर पर गहरा असर पड़ा है। मंदिर, पार्क और बीच पर लोगों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन आज इन जगहों पर काफी कम लोग दिखाई दे रहे हैं। व्यवस्था के मद्देनजर स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने बॉम्ब कहीं नहीं लगाया, हमारे धंधे पर लगाया है। क्यों भाई, आज कहीं बम रखने की खबर है क्या? हाँ भाई, अगर हिम्मत है तो बॉम्ब रख के दिखाएं। ए, ये क्या कह रहा है तू? बॉम्ब वो रखेंगे और उसे सुपर हीरो निकालेगा, तभी तो रखने वाले की वॉट लगेगी। सभी प्रेस वाले आए हुए हैं, एक बॉम्ब के फटने से उन्होंने हमारी धजियां उड़ा दी है। आज का इंतजाम सही है या नहीं? मैंने तो पूरे शहर में सिक्योरिटी टाइट करने का ऑर्डर दे दिया है नेताजी। हमने अपने तीनों बेटों को एक ही जैसा धंधा सिखाया था। ये दोनों लड़के कितनी मेहनत से चोरी का माल इस घर में ला रहे हैं। हमारी फैमिली इतनी फेमस है कि लोग हमारे पोस्टर दीवारों पर लगाते हैं। वो जो तेरा तीसरा कमीना लड़का है ना, उसका फोटो किसी पेपर में आज तक नहीं आया। ओ स्पीड, तुझे किस बात की चिंता है, तू तो राजा लगता है यार। तू चिंता मत कर, तू करोड़ों कमाएगा एक दिन। अरे हो गया ना यार। कितना शार्प है यार, क्या स्टाइल से बैग चुराया है। अब इस बैग को अपने बाप के मुंह पे मार के बोलूंगा, रोज बोलता खाली आता था खाली आता था। आज भी खाली आती जाऊंगा क्या? आज बॉम्ब फटेगा, इससे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। सभी जगहों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, हर आने जाने वाले वाहनों की अच्छी तरीके से चेकिंग की जा रही है। आज चेन्नई में बॉम्ब ब्लास्ट होगा या नहीं, इस बात से लोग डरे हुए हैं, और उस बॉम्ब को निष्क्रिय करने के लिए सुपर हीरो आएगा या नहीं, यही आज देखना है। चलो चलो चलो। अरे भैया, मैं अपना बैग ट्रेन में ही भूल गई। हा? क्या छोटी, सुनिए काका, वहाँ जाकर बैठिए, मैं अभी बैग लेकर आता हूँ। ठीक है, जा ठीक है, तू भी साथ जा। जल्दी करो जल्दी करो, इसके गहने उतार लो। बिस्कुट ने अरे बहुत अच्छा काम किया। बॉस बॉस, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? देखता नहीं, सोए हुए को जगा रहा हूँ। जगा रहे हो ऐसा तो नहीं लगता, लगता है तुमने ही सुलाया है। तू जानता नहीं है मुझे, मेरे से पंगा मत ले, निकल जा। क्या बॉस, शायद तुम लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ। कौन है बे तू? तू यहाँ का डॉन है क्या? दिखा मुझे, दिखा दिखा ना। मैं अपने गांव वालों को दिखाता ही रहता हूँ मैं कौन हूँ। तो दिखा ना, तुम कहते हो तो दिखा देता हूँ। हाँ, चल दिखाएगा मुझे, दिखाएगा। आंटी तुम भी? क्या हुआ, क्या चल रहा है?
सर सर पकड़िए सर, यही है बेहोशी के बिस्किट देने वाले। मैं ये तो मेरा थैला है। क्यों भाई, इतना अच्छा काम करके अपना नाम बताए बिना जा रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? वीर सिंह, सुपर हीरो। कहाँ से मिल गई? सुपर हीरो जा रहा है, पकड़ो उसे। कैसे भी करके प्रमोशन लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन थोड़ा भागने की प्रमोशन करा देगा। इसके अंदर बाइक कैसे आएगा? मैंने बोला था ना, अपना सुपर हीरो आएगा और हम सबकी रक्षा करेगा। एक चकली के पैकेट के लिए क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूँ? अरे अली बाबा, 40 चोर को चोरी सिखाने वाले परिवार से हूँ मैं क्यों भाग रहा हूँ? हेलो बॉस बॉस बॉस, ये तुम्हारा बैग यहाँ पर है, ये लो। कहाँ गया वो? भाग गया क्या? और नहीं तो क्या, खुद आकर वापस करके जाएगा सामान? ये लो अपना बैग ले लो, ये लो। शुक्रिया मेरे थैले को बचाने के लिए। क्यों केवल एक चकली के पैकेट के लिए इतनी चेसिंग कर रहे हो? अगर इसमें सोना होता तो क्या हेलीकॉप्टर से चोर का पीछा करते क्या? तू जैसा सोच रहा है, इसमें सिर्फ एक चकली का पैकेट नहीं है, इसमें पूरे 15 लाख रुपए हैं। पंद्रह लाख रुपए? क्या बात कर रहे हो यार? मेरी बहन की शादी के लिए 15 लाख रुपए एक फाइनेंस कंपनी में जमा कर रखे थे। ये रसीद इसी थैले में छिपा कर रखी थी। उन्हीं पैसों को लेने के लिए मैं यहाँ चेन्नई आया हूँ। एक मुर्गी जैसे अपने अंडे को दबा के बैठती है, वैसे इसे भी दबा दूंगा। तो चलता हूं। रुको ना भाई, तुम ऐसे बिना बताए चले जाओगे तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा? वो क्या है ना कि कल तुम 15 लाख रुपए निकालने जा रहे हो, जैसा तुम सोच रहे हो चेन्नई वैसी नहीं है, जहाँ जाओगे वहीं चोर मिलेंगे। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? चेन्नई उस तरफ है, उस तरफ जाओ जाओ जाओ। भाई कोई बात नहीं, अपने परिवार के साथ आया हूँ, कल पैसे निकाल कर वापस गांव चले जाएंगे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, घर में चलो, आराम से रुको, कल पैसे निकाल कर वापस चले जाना। नहीं वो बात जाओ नहीं भाई जाओ, मैंने तुम्हारा बैग बचा कर दिया, फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं ना? अब भी तमाशा देख रहे हो, मतलब तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? मेरी लास्ट पैसे गुजरना पड़ेगा। जैसा तुम कहो। सच ना? क्या कहा? बॉम्ब? वो भी स्टेशन पे? अरे बाप रे, बॉम्ब फट गया? कितने लोग मर गए नेताजी? अच्छा हुआ कोई मरा नहीं, सबको सुपर हीरो ने बचा लिया। अगर वो नहीं होता ना तो आज हमारी ये मंत्री की कुर्सी ढकमंगाने लगती। तो सुपर हीरो को पकड़ लिया? उसे पकड़ कर क्या करना, ज्यादा जरूरी है जिसने बॉम्ब रखा था उसे पकड़ना। जाओ इसके लिए कुछ करो। ठीक है नेताजी। हाल ही में चेन्नई में बॉम्ब रखने वाले उन 3 आतंकवादियों को सुपर हीरो ने मार दिया, और अपने संदेश के मुताबिक सुपर हीरो ने टेररिस्ट के अगले बॉम्ब को फटने से रोककर स्टेशन पर हजारों लोगों की जान बचाई। वहीं पास में एक बाइक खड़ी थी, तभी बाइक को वहां के भीड़ भाड़ से दूर ले जाकर हम सबकी जान बचाई सुपर हीरो ने। वो हमारे पास ही खड़े थे, फिर भी मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई। वो जहां भी रहे सुखी रहे। सुपर हीरो को देखने वाला सिर्फ मैं ही एक आदमी हूँ, मेरे सामने ही बाइक लेकर गया था ना। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कहा जा सकता है। जैसे इंडिया को स्वतंत्रता मिली, ठीक वैसे ही चेन्नई में आज वीर सिंह के रूप में सुपर हीरो मिल गया है। मेरे दादा की 2 बीवियां थी, इसलिए हम लोग ये घर बेचने की सोच रहे हैं, लेकिन तुम रुक जाओ, हम बाद में बेच देंगे। टपक रहे हो तुम लोग? अच्छा कितना हुआ भाई? क्या कर रहा है वीर? मेरे घर आया और पैसे खर्च करेगा तू? उससे अच्छा जूता उतार के मार ले मुझे, बेइज्जती कर रहा है मेरी। सुन भाई, इतनी सी बात के लिए भाषण देने की क्या जरूरत है, तू ही दे देना। हाँ तो दे रहा हूँ ना, ये सभी पैसे तुम्हारे ही हैं। आओ आओ आओ, मेरी दादी का ही घर है, अगले हैं बाकी बचे 14। ठीक है नहीं रहूंगा अब मैं इस घर में, एकदम नहीं रहूंगा। नहीं रहूंगा मैं नहीं रहेंगे यहाँ पे। अरे क्या नहीं रहूंगा, ये इंसानों के रहने की जगह है, इसे घर कहते हैं। तुम्हारे आने से पहले तो ये घर ही था, ये अलग बात है कि अब चिड़ियाघर लगता है। यहाँ पे घर का कोई सामान नहीं है, दहेज में दिया हुआ सामान मांग रहा है लगता है। चलो हम लोग यहाँ से, तू चाहे जितना भी कर, इन लोग को कम ही देखने वाला है। तू परेशान क्यों हो रहा है, हम लोग कहीं और रह लेंगे। जा भाई, पर मेरी लाश के ऊपर से जा। तू क्यों ऐसे बच्चों की तरह बार बार लेट जाता है? और नहीं तो क्या, तुम रुकोगे करके मुझे कितनी खुशी हुई थी, अब तुम जाने की बात करो तो मैं बुरा नहीं मानूंगा क्या?
तो हमारे लिए इतना सब कर रहा है ये देखकर मुझे हमारे गांव के भजन लाल सेठ याद आ गए। हाँ वही तो हूँ मैं, बस यही मान के चलो तुम। लेकिन यार पैसा तो... क्या है यार पैसा, आज आएगा कल चला जाएगा। कल फंड लेने जा रहे हो ना तुम? हाँ। तो तुम जाओ, जाकर आराम करो, जाओ 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 जाओ। हाँ जाओ, मैं देख लूंगा। तुम लोग को क्या चाहिए बे? प्रेग्नेंट औरत की तरह दिखने वाला मेरा पर्स, एबॉर्शन हो गया इसका। मेरा एक काम करो ना, मेरे होने वाले वो मुझे बिल्कुल नहीं देखते, ऐसा कुछ करो ना कि वो मेरे आगे पीछे घूमने लगे। कोई आइडिया हो तो बताओ ना प्लीज। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुम तो वैसे भी एकदम चिकनी चमेली कटरीना कैफ लगती हो। अगर तुम अपने बाप की तरह काली होती और तुम्हारी नाक तोते की तरह लंबी होती, रंग एकदम तवे जैसा काला होता, दांत बाहर होते तो उसका भागना बनता है। लेकिन ये बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों बज रहा है? स्टॉप। खुद को जैसे अप्पू राजा का कमल हसन समझता है, पीछे से घुटने के बल चल रहा है। चल रहा है चल, चल। अस्सलाम वालेकुम। मालिक, आपके पार्टनर आ रहे हैं। सुनो, मेरे पार्टनर को पता न चले पाए। ले जाओ, चलो चलो जल्दी चलो। अरे जल्दी करो, चलो जल्दी रखो, चलो उठाओ, पकड़ो जल्दी, अंदर रखो। आओ ये देखो। हाँ नकली तो लग ही नहीं रहे, एकदम परफेक्ट है। मैं अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करके यहाँ तक लाया हूँ, अब तुम इसे अपने बिजनेस वाले दिमाग से डबल करने का उपाय खोजो। राजा दशरथ ने अपनी चार बीवियों को जैसे अपने वश में कर रखा था ना, उनका इस्तेमाल किया हुआ चूरन है ये। तुम्हें सूंघने के लिए बोला था क्या? तुम जीव निकाल कर चाट भी सकते हो, चलो पीछे हटो। तुम बुरा क्यों मान रहे हो बेटा? ये लो पकड़, इसे ले जाकर कैसे भी उसे पिला देना, उसके बाद सब प्लान के मुताबिक होगा। मेरा वीर आज तक बेटा से। जी पिताजी। रुक जा, वो क्या सिक्सर लगाने जा रही है क्या? तुझे बाप की शर्म होती ना तो जब मैं चूरन मिलाया था उसी समय फांसी पे लटक जाता तू। ओए मैं तुझे गाली दे रहा हूँ और तू हंस रहा है जैसे तुझे कोई अवार्ड मिला हो। एक और पुड़िया है क्या बेटा? तेरा इस उम्र में कुछ भी नहीं हो सकता बुढ़े। आया बड़ा। जा 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 जा। मैं जा रही हूँ, तुम ठीक से सोना। ओके ओके। ये क्या हो रहा है? तुम मेरे बगल में सो रही हो? हकीकत में तो सोने नहीं देती, अब सपने में भी सोने नहीं दोगी? सपना? हाँ सपना ही तो है। है? नहीं 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 नहीं, कोई कोई सपना वपना नहीं है। तुम मुझे हाथ क्यों लगा रही हो? मैं सच कह रही हूँ, ये सपना ही है। नहीं, करंट लगता है। अरे रे, कैसे रोकूं अपने आप को? चिकनी पतली कमर गोरा बदन बाली उम्र, पतली कमर बाली उम्र, कातिल दा तिरछी नजर जब तू देखे बटर बटर, दिल में होवे गुटर 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 बटर बटर, यूं ना अकड़ है ना। नाटक ना कर रे तू, करना हंगामा, देखा है पहले मैंने ऐसा ड्रामा, तेरी मीठी बातों में फंसू ना मैं रामा, जा रही और तू भी कर ये ड्रामा। चिकनी चिकनी पतली कमर गोरा बदन बाली उम्र, पतली कमर बाली उम्र, कातिल दा तिरछी नजर जब तू देखे बटर बटर, दिल में हुए गुटर 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 बटर बटर, यूं ना अकड़ है ना। Oh,
होश उड़ा दूंगी रे मैं तेरे, अंदाज देखे ना तूने मेरे। हूँ मैं नशे में बिना पिए, होश मेरे तूने दिए। पीछे पड़ा मेरे तू ऐसे धीरे धीरे, मस्ती ना कर मुझसे तू और छोरे। दिल आया धीरे धीरे अब बतला कैसे मानो, जैसे मिले फूलों से खुशबू तू ऐसे आ मिल जा। अंदाज है मेरे जादू भरे, दीवानों को पागल करे। हम तो दीवाने हुए, बस तेरे अब दीवाने हुए। ना डोलो आगे पीछे तू यार मेरे यार, पीछे हटो पीछे ना के बढ़ो रे। दिल मिला दिल से फिर क्या किसी से डरना, दिल का मामला है देखो दिल से दिल लगी ना करना। चिकनी चिकनी पतली कमर गोरा बदन बाली उम्र, पतली कमर बाली उम्र कातिल दा तिरछी नजर। जब तू देखे बटर बटर दिल में हुए गुटर 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 बटर बटर, यूं ना अकड़ है ना। नाटक ना कर रे तू करना हंगामा, देखा है पहले मैंने ऐसा ड्रामा। तेरी मीठी बातों में फंसू ना मैं रामा, जा कहीं और तू भी कर ये ड्रामा। ये भी सपना है नहीं? अरे विश्वास तो करो वीर, सपना ही है ये। अब मुझे देखो, मैं बाजू कमरे में सो रहा था ना, लेकिन फ्रिज से पेपर पड़ता हुआ निकला कि नहीं। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ये क्या है वीर, बाजू में इतनी सुंदर मस्त लड़की बैठी है और तू लोटे से खेल रहा है यार। मुझे तो दर्द ही नहीं हो रहा है यार, ये सपना ही है। चूरन इसीलिए दिया था क्या? हे भगवान, मैंने तो गलत करने वालों के दिल में डर बैठाने के लिए वो नाम लिखा था, लेकिन आपने तो अन्याय को मिटाने के लिए सच में वीर सिंह नाम के एक आदमी को भेज दिया है। कौन है ये वीर सिंह, उस पर विश्वास करूं या ना करूं? देखिए भगवान जी, कल कुछ और मांगू आज कुछ और मांगू, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं हमेशा सिर्फ एक ही बात पे टिका रहता हूँ, मेरी पार्टी जीतनी चाहिए। कौन सी पार्टी सोच रहे हो ना, मेरी बहन और कौन, उसकी लाइफ में तकलीफ नहीं आनी चाहिए। उसके लिए जमा किए हुए सारे पैसे, रुपए चुराने का एक नया प्लान। प्यारे मैनेजर श्रीमान दया सर, किसी कारण मेरे पैर पे अचानक चोट लग जाने की वजह से मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मेरा ये पत्र लेकर आया व्यक्ति श्रीमान स्पीड जी को 15 लाख रुपए दे दे, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीर। तू तो गया, तेरा पैर तो गया काम से। तू चिंता मत कर, सभी तुझे अपना पेट साफ करने के लिए यूज करते हैं ना, लेकिन मैं खुद को लखपति बनाने के लिए तुझे यूज करूंगा। बिल्ली के भाग से छींका टूटा इसे ही कहते हैं क्या? इसलिए आते हैं ये लोग मंदिर में, इडियट्स। मेरी बात सुनो, ये तो वैसे झाड़ रहा है यार इसको। हटो, क्या है, क्या कर रहे हो? हेलो, वो पीछे लाल रंग लगा है तो मैंने सोचा कि उसे। क्या सोचा, कि झाड़ दोगे? हाँ, वहाँ गलती से मेरा हाथ लग गया था ना, और यही रंग अगर कोई और देख लेगा तो क्या सोचेगा है? तो मैं जाओ। सभी में नंबर 1 हो, वेरी गुड, यू कैन ज्वाइन टुडे। सर,
मैं सुपर हीरो के बारे में एक प्रोग्राम करना चाहती हूँ। ओके, दैट्स अ हॉट न्यूज़ टुडे, गो अहेड। यस। इस चैनल को तुम जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, अपना ख्याल रखना बेटी। और वीर, पैसे निकालने के बाद क्या प्लान है? छोटी के लिए गहने, साड़ियाँ, फर्नीचर लेना है और उससे पहले तो मुझे पैसे लेना है। क्या कहा? और वो यहाँ से पैसे लेना कह रहा था मैं। बैठो बैठो। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अगर कोई लड़का आपकी गोद में बैठ जाता तो मम्मी पापा कह के आप चिल्लाने लग जाती। देखा ना, लड़के कितने दिल वाले होते हैं। बैठने के समय देख कर बैठना चाहिए। बैठ जाओ। इट्स ओके सर। इसीलिए कहते हैं ना, बैठते वक्त देख के बैठना चाहिए। ला निकाल देता हूं। हाथ मत लगाना वरना पूरी हवा निकल जाएगी। मैं बाजू में जाकर पंचर वाले से पंचर बनवा लेता हूँ। सर 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 सर, सर, सर ये तो हमारी ऑफिस का, इसे यही छोड़कर जाइए। मैं घर थोड़ी ले जा रहा हूँ, अभी निकलवा के लाके देता हूँ। सर आपका चेक रेडी है। दीजिए। सर आप किस लिए आए हैं? मैंने अपनी बहन की शादी के नाम पर यहाँ पैसे जमा किए थे, बस वही लेने आया हूँ। ठीक है, दो मिनट रुकिए। भाई हाँ, आजकल लोग अपने माँ बाप को एक बोझ की नजर से देखते हैं, लेकिन आप जैसे भी इंसान इस जमाने में हैं। और आप? मैंने बेटी के नाम पर 2 लाख जमा किए थे। शादी के लिए? शादी के लिए ही जमा कर रखे थे, लेकिन उसके लिए नहीं निकाले। यही चेन्नई में ही मैंने अपनी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है, ऑपरेशन के बाद ही जान बच पाएगी ऐसा कहा। सॉरी। कोई बात नहीं भाई, कैसे भी हो मेरी बेटी का ऑपरेशन होकर वो पहले जैसी अच्छी हो जाए, मुझे बहुत खुशी होगी भाई। सब कुछ अच्छा ही होगा मेरे भाई। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको बुला रहे हैं। ओके बेटा, तुम कल आकर अपना चेक ले जाना। वो क्या है ना, शादी के लिए बहुत सारा सामान खरीदना है, इसलिए अगर आप कैश देते तो। तो फिर एक काम करो, तुम मंडे को आना, मैं कैश ही दे दूंगा। ठीक है सर। ठीक 12 बजे बम फटेगा। आज हीरो लग रहा है क्या बात है? आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप लोग मेरी दुकान में आए, मैं धन्य हो गया। सर मैं तो इनके कहने पर आया हूँ, जाने में हमारा सब कुछ यही तो है। धन्यवाद बेटा, हम सब एक ही जगह के हैं तो फिर धन्यवाद की क्या जरूरत। छोटी पैसे की चिंता मत करना, तुझे जो चाहिए जो पसंद आए सब उठा लेना। क्या सेठ जी, जब तुम यहाँ आए थे तो एक थैला लेकर आए थे, लेकिन आजकल तुम्हारे दुकान के थैले घर घर घूमते हैं। आज कोई भी मार्केट जाता है तो उसके हाथ में आप ही की दुकान का थैला होता है। वैसे इस साल एड के लिए कौन सी हीरोइन बुला रहे हैं? ए ए ए मालूम हो के भी कुछ नहीं बता रहे हो? अरे यार कैसे खरीदेंगे? चलो यहाँ से निकलो। अरे भाई ये क्या, तुमने सभी को भगा के लिया? जितना खरीदते उतना अपना एक बकरा ही खरीद लेगा। ये साड़ी कैसी है? ये अच्छी नहीं है। हाँ ये खोलो खोलो, अच्छी है। अरे काका ये देखो कितनी बढ़िया साड़ी है। जिसने भी ली है हमें क्या, हमारी कावेरी पहनेगी तो बहुत सुंदर लगेगी। बेटा कितने की है ये? मुझसे क्या पूछ रहे हो? पागल हो गए हो? चलो चलो भाग यहाँ से। वीर यहाँ आओ ना। हाँ बोल, क्यों बुलाया? अंदर आओ ना। हाँ मैं नहीं आऊंगा। पहली बार सलवार कमीज पहना है तुम्हें, दिखाना है, आओ ना। तुम बाहर आओ ना। अरे आओ ना। हाँ। अब आओ। वीर। ये दरवाजा भी ना। आओ ना। रॉन्ग नंबर लग गया। वीर, अब देखो भी। देख लिया। मैंने देख लिया। वीर, क्या हुआ यार तुम्हें? यार ये तो वही लड़की जिसका भूत चढ़ा था तुमने। दरअसल वो कपड़े बदल रही थी और मैंने गलती से। अब तो तू उसे ये भी नहीं कह सकता कि तू उसे नहीं जानता है। क्या बकवास था ये? शर्म नहीं आती? बकवास नहीं था, अच्छा था। चुप बैठ, उधर मंदिर में और आज यहाँ मेरा पीछा कर रहे हो। सॉरी जी, वो तुम जैसे आदमी को तो पुलिस वालों से डंडे पड़वाने चाहिए। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? चाहो तो तुम भी देख लो। पागल आदमी है। क्यों भाई वीर, तूने वहाँ जाकर उसे देखा और यहाँ खुद का बदन दिखा रहा है, ये एक ही बात है क्या? लेकिन ऐसे बदला लेने वाला हीरो मैंने आज तक नहीं देखा भाई। क्या बदला लेता यार? अरे सबका बिल दे दो, दे दो। छोटी कुल मिलाकर साड़ियाँ कितनी? 12। नंदिनी तुम्हारी? 15। इन सबको उठाकर
पैक करके साइड पे रख दो, चार दिन में पैसे देकर ले जाऊंगा। चलो चलो अब चलते हैं, दूसरी दुकान पर जाना। तू बर्तन की दुकान पर नहीं आएगा? पांच मिनट में आता हूँ। आजा आजा जल्दी आजा जल्दी आजा। सेठ जी बर्तन की दुकान, आपके भाई की दुकान पर ही जा रहे बर्तन लेने। अच्छा ये सूटकेस कोई भूलकर चला गया है भैया। किसकी होगी? वो जिसने चश्मा लगा रखा था। अटेंशन, सब अपने आप ही फंस जाते हैं यार। कहाँ है कहाँ है, यहीं तो छोड़ के गया था वो। ये क्या कर रहा है? रुक धोती खोल देगा क्या? देता हूँ। ये किसी का बैग है। कोई बैग भूल कर गया, तुमने इसे संभाल कर रखा है ना? बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा मैं देख रहा हूँ आपके बैग। सर 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 कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? गेट खोलो ना। मैं ऐसे अंदर नहीं जाने दूंगा। वो अभी अभी जो अंदर गए ना, हाँ। वो अपनी बैग भूल गए हैं, उन्हें दे देना ठीक है। तुम्हारा नाम क्या भाई? सुपर हीरो। क्या हुआ? ओके बस 10 सेकंड में फट जाएगा। सर ये बैग आपको देने के लिए बोला है। ये किसने दिया? सुपर हीरो ने। क्या सुपर हीरो ने दिया? अरे भागे। सर यहाँ पर एक के साथ चल रही है। सर ये सब कैसे हुआ है? सुपर हीरो। बोलो बोलो। सुपर हीरो सुपर हीरो। हेलो भारती, I got a sensational news। क्या सर? एक गोडाउन को जिसमें करोड़ों रुपए के जाली नोट छुपाए हुए थे, सुपर हीरो ने उसे बॉम्ब से उड़ा दिया। सुपर हीरो ने? मालिक, सुपर हीरो को जिसने देखा वो अभी हॉस्पिटल में है और जिंदा है। वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है सर, अभी तक उससे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है सर। इसका नाम वीर है बेटी, वो उस दिन चिटफंड में मिले थे कहा था ना। तुम्हारी बहन की शादी है ना भैया? जी हाँ, बस 10 दिन बाद। पता नहीं मैं जिंदा रह पाऊंगी भी या नहीं। नहीं ऐसा मत कहो तुम, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पापा की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तुमने सुपर हीरो को देखा? देखा कैसा दिखता है वो? बता बता कैसा दिखता है? बता बता मुझे कैसा दिखता है? कौन है वो? कौन है? पूछा सुपर हीरो कैसा दिखता है? तू भगवान की फोटो दिखा रहा है? चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता एक स्ट्रॉन्ग चाय बनाना। मेरी गोद में क्यों बैठा है? मेरे सर पे बैठना, वहां फिसल जाऊंगा ना। उतर उतर चल उतर। आज एक जाली नोट से भरा हुआ गोदाम जिसे सुपर हीरो ने उड़ा दिया है। जाली नोट बनाने वाले कुछ लोग भी मारे गए और साथ में करोड़ों रुपए के जाली नोट भी चलकर खाक हो गए। ऐसा पता चला है कि ये काम सुपर हीरो ने किया है। ऐसा देखा जा रहा है कि शहर में जब भी कोई परेशानी आती है या आने वाली होती है तब भी एक सुपर हीरो आकर उस परेशानी से बचा लेता है। वो बाकी कुत्ते के डर से मेरे ऊपर बैठ गया, बाहर किसी को बोलेगा तो तुझ पे हंसेंगे। चल हट यहां से। सॉरी भाई, स्पीड तू यहाँ कब आया? तू उस कुत्ते से डर कर इस कमीनी की गोद में चढ़ा था ना, तभी मैं यहाँ आया। तेरे को क्या जरूरत है सब करने की? क्या सुबह सुबह बकवास कर रहा है तू? एक महान राजा जो पूरे शहर में प्रसिद्ध थे, आज उनके गहने और कपड़ों को बेचने के लिए एग्जीबिशन रखा है, आओ खरीदो। चल ये क्या है वीर, यहाँ पर इतनी पुलिस? अरे है दुनिया में जो सोना कहीं नहीं है वो सोना यहीं पे रखा है, आजा चल कर देखते हैं। क्यों भाई, तुम तो दुकान को ही एग्जीबिशन की तरह समझते हो। हाँ जा, अब एग्जीबिशन भी देखना है। तू नहीं आना चाहता तो मत आ, मैं अकेला जाता हूँ। अकेला? हाँ अकेला। जा भाई, जहाँ भी जाएगा अकेले ही जाएगा तू। हाँ जाऊंगा। और चिट फंड कंपनी में? हाँ जाऊंगा। जा भाई जा, पर मेरी लाश के ऊपर से जा। ओ स्पीड।
तू जब भी ऐसा करता ना तब मुझे भजन लाल सेठ याद आता है ना, मैं वो ही हूँ। तू भी बात बात में लड़कियों की तरह गुस्सा हो जाता है यार। मैं तो मजाक कर रहा था यार, मैं चलता हूँ ना तेरे साथ, चल चल चल। इस समय आप लोग जो देख रहे हैं उस समय युद्ध में राजा लोग इसे पहनकर जाया करते थे। अरे मदन, मेरा मतलब पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये मैं बताता हूँ। अरे भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो मैं बताता हूँ। छोटे भैया तुम यहाँ कैसे? मैं बताता हूँ। रुको अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। तो फिर दिमाग क्यों खराब कर रहे हो मेरा, यहाँ क्यों आए तीनों? वो जो डायमंड दिख रहा है ना उसे चुराने आए, उसकी कीमत 15 करोड़ है। ओए थ्री इडियट्स, ये तुम्हारे लेवल का काम नहीं है, तुम तीनों यहाँ से कट लो। बेटा तू हमारा प्लान जाने बिना बोल रहा है, अरे इसे बता। इलेक्ट्रिशियन बनकर जाऊंगा, वो सेकंड फ्लोर की आवाज ना हो इसीलिए उस डायमंड के चारों ओर लगे वायर को काट डालूंगा। हाउसकीपर के भेज में आया हूँ, यहाँ धुआं धुआं कर दूंगा। और मैं बाहर जीप में इंतजार कर रहा हूँ, दोनों कहते ही आराम से निकल जाएंगे। तो फिर डायमंड कौन उठाएगा? अरे बेटा वो तो मैंने सोचा ही नहीं, वो कौन लेगा, वो कौन लेगा? चिंता मत करो, जिसने भी उसे यहाँ रखा है एग्जीबिशन खत्म होने के बाद वो खुद ले जाएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम ही उसे उठाकर क्यों नहीं देते? अपने सगे भाई और बाप के लिए तुम इतना नहीं कर सकते हो क्या? तुम्हारे लिए कुछ करना है तो तुम्हारे मरने के बाद ही करूंगा। याद है उस दिन क्या कहा था? मैं तो किसी काम के लायक नहीं हूँ ना, इन दोनों का पैर पकड़ के कुछ सीखूं, ये कहा था ना। तेरे पूछे गए एक एक सवाल मुझे चप्पल से मारने जैसे लग रहे हैं। लग नहीं रहा है, ये सच में चप्पल से ही मार रहा है। चलो दुखी मत हो, मैं ला कर देता हूँ, चलो आओ। अरे सुनो, ये बैग तो मेरे ही पास है ना। पब्लिक प्लेस पे तुम टाइम बम लेके घूम रहे हो? ये बम नहीं है भाई, घर से दोपहर का खाना लेकर आए हैं, लंच टाइम पर एक एक कर खा कर हम लोग काम पर लग जाएंगे। जो यहाँ घूमने आए वो लोग खाली हाथ आए हैं और तुम लोग चोरी करने खाने का। उसे मारना मत, क्योंकि बम फट जाएगा। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। ये कितने का है? 2 lakh सर। ओह, यू वांट टू बाय? बाय बाय। स्पीड, यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहा है? इसे कैसे निकालूं यही सोच रहा हूँ यार। ऐसे निकाल ले, उसमें बड़ी उसे क्यों उठाया पुलिस? तुझे गोली मारने की रख ले। तुम हो ये? अरे तू चला गया तो मेरे प्रमोशन का क्या होगा? कहाँ गया, कहाँ ढूंढू? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तू यहाँ पर है? अरे रुक, 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 क्या? ओ, तू प्रेस वाली है? ये जगह देखने आई थी? उछल मत मेरे बेटे, मैं तुझे चने खिलाने की सोच रहा हूँ, तू डंडे खिलाने की सोच रहा है? अब देख सुपर हीरो का कमाल।
हमारे आदमी को मार रहा है, जल्दी चलो। पकड़वाने के लिए ही सुपर हीरो हमें यहाँ पर लेकर आया है। तुम वीर सुपर हीरो? ज्यादा हमारे लिए ये पता लगाना जरूरी है कि इन पांच आतंकवादियों के पीछे और कौन कौन से लोग हैं। अब तक एक सादा जीवन जी रहे वीर सिंह ने आज फिर यहाँ पांच टेररिस्ट को पकड़वाया है और उनके सभी हथियारों को भी पकड़वा कर उनके साथी लीडर को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अके एक सुपर हीरो है। आइए आइए मैडम, आज यहाँ बस तुमसे मिलने आई। अंदर आइए ना। इतने सिंपल रहते हो तुम। मैं तो हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। क्या रे सुपर हीरो, आज कितने बम निकाले और कितने लोगों को बचाया। क्या अंकल मजाक करते हो। जाओ ना, आप अकेली वहाँ गुंडों के बीच में कैसे फंस गई थी? मुझे तो लड़ाई से बहुत ही एलर्जी होती है, आपकी वजह से सबको मारना पड़ा। एक्टिंग अच्छी करते हो। हाँ बिल्कुल सही कहा, अपने गांव का नंबर वन हीरो हूँ, नाचने में भी और लड़ाई में भी सुपर हीरो की तरह।
दो स्पेशल कटिंग देना। तुम गांव के हो? ऐसा वैसा मेरा गांव नहीं है, बहुत ही प्यारा गांव है। और यहाँ जब से आया हूँ देख रहा हूँ मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पहले तो मैंने अपना ये पैर स्टेशन पे रखा, एक चोर आकर मेरा थैला लेकर भाग गया। और फिर वो बाइक? वो बाइक, उसी बाइक पे बैठ के तो मैंने उस चोर को पकड़ लिया था। बेचारा, पता नहीं किसकी बाइक थी। दो तीन दिन पहले तुम सीआईटी नगर गए थे क्या? सीआईटी नगर? हाँ गया था, उस दिन कोई बीच रास्ते पर सूटकेस भूल कर गया था, वही लौटाने में सीआईटी नगर गया था। और कल तुम घोड़े को लेकर गए थे? मैं कहाँ उसे लेकर गया था, वही मुझे लेकर गया था। और वो तो तुम्हारे लिए फायदेमंद हुआ ना। लेकिन हाँ, ये सब तुम कैसे जानती हो? हेलो, क्या हुआ? कुछ दिनों से वीर सिंह सुपर हीरो का नाम पूरे शहर में छाया हुआ है, जानते हो ना? उसके बारे में सुना तो है, क्या तुमने उसे देखा है? आज पूरा शहर जिसे सर पर लेकर नाच रहा है वो सुपर हीरो कोई और नहीं है, तुम हो। सर, जो पकड़े गए टेररिस्ट हमारी कस्टडी में थे, अब वो हमारी बजाय केंद्र सरकार की स्पेशल टीम के हाथों में चले गए हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? इंस्पेक्टर सिन्हा उन सबको लेकर जा रहे हैं सर, अब कुछ नहीं हो सकता। ए, होम मिनिस्टर साहब हैं, गाड़ी रोको। सर, किले पर मिले हुए आतंकवादियों को कोर्ट लेकर जा रहे हैं सर। सर, एनी प्रॉब्लम सर? जब तुम लोग फंसे थे तभी तो मैं मर जाना चाहिए था, बहुत देर हो चुकी है। मेरे पास ही खड़ी थी वो बाइक, उसे दूर ले जाकर हम सबकी जान बचाई है सुपर हीरो ने। उस दिन ही नहीं, आज भी सुपर हीरो को सबसे पहले मैंने ही देखा था। जो गुंडे इनकाउंटर से भीड़ नहीं डरते थे, आज वो सुपर हीरो के आने के बाद डरने लगे हैं। वो भी एक अपराधी है, उसे भी जल्द अरेस्ट करेंगे। अपना सुपर हीरो। मानो जैसे कोई जादू हो गया हो। अब तक लोग दहशत को अपनी किस्मत समझकर जीते थे, लेकिन अब उनकी किस्मत बदलने वाले हो तुम। आई थिंक यू आर अ मैन ऑफ डेस्टिनी। तुम हंस क्यों रहे हो? तो और क्या करूं? मुझे पता नहीं तुम क्या बड़ी बड़ी बातें बोले जा रही हो। मैं इस शहर को बचाने या लोगों को बचाकर उनकी किस्मत बदलने नहीं आया हूँ। पता नहीं तुम लोग क्या क्या सोच रहे हो। मैं अपनी बहन की शादी करवाना चाहता हूँ। मैं वीर सिंह, एक छोटे से गांव में दूध बेचने वाला एक आम इंसान हूँ। तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम्हारे खून में सच्चाई है, वीरता है। तुम्हारे अनजाने में किए गए कामों से अगर इतना सब कुछ हुआ है, तो अब आगे तुम वो सब जानकर ही क्यों नहीं करते? लोगों का वो सुपर हीरो तुम बन क्यों नहीं जाते? भैया, ये देखिए। भैया, ये मेरी बहन, अगर कुछ देर बात ना करूं तो मुझे लेकर परेशान हो जाती है। भैया। हाँ बोलो छोटी। कहाँ हो भैया, जल्दी से घर आ जाओ। हाँ बस आता हूँ, जल्दी आता हूँ। उसकी दुनिया मैं हूँ और मेरी दुनिया वो है। चाहे आप मेरे बारे में जो भी सोचिए, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। क्या कहा था तुमने? और क्या कहा था? मेरे ड्राइवर बनकर तुम चेन्नई में कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें वहाँ रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। कहा था मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर हर काम के लिए मुझे रोका जा रहा है, चोट पर चोट किया जा रहा है। कौन है बेवो? सुपर हीरो के घर का एड्रेस नहीं पता, इसलिए रोज रोज हजारों लोग हमारे ऑफिस के एड्रेस पर ये लेटर्स भेजते हैं। ये देख रहे हो तुम, खून से लिखी चिट्ठियां हैं। क्या तुम इन लोगों के दर्द को भी नहीं समझ पा रहे हो? जो लोग तुम पर इतना भरोसा करते हैं उनकी तुम्हें कोई चिंता नहीं? आज के जमाने में सभी एक चीज के साथ खेलते हैं, और वो है विश्वास। जिनके मन में बिल्कुल भी दया नहीं है, वो पढ़े लिखे पैसे वाले साधु संत लोग, पुलिस, डॉक्टर, वकील, ये वो सभी लोग
आम इंसान के विश्वास के साथ खेल रहे हैं और अब आप भी वीर सिंह के नाम पर मुझे वही करने को कह रही हैं। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए तुम्हें वीर सिंह बनने को कह रही हूँ। यहाँ पर गलती करने वाले गली में, शहर में और पूरे देश में मौजूद है, तो क्या मैं वीर सिंह बनकर सबको खत्म कर सकता हूँ? भगवान को भी अन्याय मिटाने के लिए 10 अवतार कम पड़े थे, तो मैं कैसे? तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? वीर सिंह को यही खत्म करना। सुपर हीरो मुझे चाहिए। सुपर हीरो सिर्फ कहानियों में अच्छे लगते हैं, हकीकत में नहीं। कानून का काम कानून को ही करने दो। मैं एक आम इंसान हूँ और ऐसे ही जीना चाहता हूँ। आपने जो कहानी शुरू की है उसे यही खत्म कर देना अच्छा है। मारो से, उसके सर में तो भूसा ही भरा हुआ है। सुनो छोटी। हाँ भैया। हम आज शाम को ही गांव वापस जा रहे हैं, सारा सामान पैक कर लेना। तब तक सारा काम खत्म हो जाएगा ना बेटा? जी हो जाएगा। पर ठीक है, सब कुछ सुपर हीरो कर रहा है, सुपर हीरो कर रहा है, तो फिर पुलिस क्या कर रही है? वो लोगों का भला करने के नाम पर कानून को हाथ में लेकर 10 लोगों का खून कर चुका है। ए फिरोज खान। यस सर। सुपर हीरो को पकड़ने के लिए तुमने क्या किया है? ट्रेस कर रहे हैं सर। करते रहोगे, तुम लोग तो पुलिस वाले बनने के लायक ही नहीं हो। अबे सड़े हुए कमीने, 5वीं क्लास भी पास नहीं होगा और हम आईपीएस के ऊपर अधिकार चलाता है अपना? हम पुलिस वालों को बदनाम करने वाले तेरे जैसे ही कमीने होते हैं। तूने मंत्री बनने के लिए पता नहीं कितनों को मारा होगा, लेकिन सुपर हीरो ने 10 लोगों को मारकर हजारों लोगों की जान भी बचाई है और तू उसे पकड़ने के लिए बोल रहा है? इससे पहले तो मैं तुझे जूते से पीटूंगा। फिरोज खान। फिरोज खान। यस सर। कुछ बोलोगे या ऐसे ही सोचते रहोगे? जल्दी ही पकड़ लूंगा सर। सुपर हीरो को पकड़ने के लिए पूरी फोर्स लगा दो। यस सर। जो मन में आए वो करो। ठीक है सर। तुम्हारा प्रमोशन मैं देख लूंगा। सुपर हीरो पुलिस वालों के लिए जितना जरूरी है, उससे ज्यादा वो हमारे लिए जरूरी है। उसका सिर जो लेकर आएगा उसे मैं 50 लाख रुपया दूंगा। रुक जा। तेरी तलवार के डर से ये नहीं रुकने वाला। सुपर हीरो को देखने वाले सिर्फ तुम ही हो। अगर वो दोबारा दिखे तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करोगे। उसके लिए ये 5 लाख रुपए हैं, ये तो सिर्फ एडवांस है। तो उसके लिए तुम तलवार क्यों दिखा रहे थे? बस पैसे दिखा देते मैं बता देता। अब ले लिया तो बता देना। सुपर हीरो के मेरे सामने जा रहा है। अरे सुपर हीरो सामने जा रहा है। ये नहीं है। अरे रोका क्यों? तुम लोगों को पलट के मारा नहीं तब भी नहीं समझे क्या? ये सुपर हीरो नहीं है। बाहर जाकर ढूंढो रे। तुम कहीं मत जाओ, मैं दोबारा देखूंगा तो फोन करूंगा, तब आ जाना। क्योंकि सिर्फ मैंने ही उसे देखा है, उसे मैं ही पहचान सकता हूँ। जब मैं कहूँ तब ही आना, समझ गए ना? चलो रे। क्यों भाई, तुझे कोई और टीशर्ट नहीं मिली थी क्या? पैसे नहीं मिले तो वो मर जाएगी। मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब। उठो यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। चलो उठो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से। क्या हुआ वीर भाई? इन्होंने तुम्हारे साथ नहीं तो पैसे दिया था ना, बैंक में डाले तो पैसे ही नहीं कह दिया। मेरी बेटी अस्पताल में अपनी जिंदगी से लड़ रही है भाई। सुनो, ये सभी अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, हमारे पैसों का क्या हुआ? अरे ये कंपनी फ्रॉड कंपनी है, इसने सबका पैसा खा लिया और अब ये बंद हो चुकी है। चलो जाओ यहाँ से। ऐसे अचानक आपने कंपनी बंद कर दी सर? पैसे जमा करने वाले सारे लोग यहाँ आकर रो रहे हैं, हमें इनका श्राप लगेगा सर। अगर इनका श्राप मुझे लगता तो मैं कब का मर चुका होता। पागल लोग हैं। मैंने ज्यादा ब्याज देने की बात क्या की, बिना सोचे समझे बकरे की तरह कटने के लिए सामने आ गए। मैं सब देख लूंगा। लिसन टू मी प्लीज सर। क्या हुआ, चिटफंड बंद कर दी क्या? मेरा यह चिटफंड खरीदने का मकसद ही 4 पैसे कमाकर बंद करने का था। मैं पहले ही बंद कर देता, तुम जो नकली नोट दे रहे थे इसलिए डील अच्छी है करके मैं रुक गया। लेकिन बीच में उस सुपर हीरो ने घुसकर
सारे नकली नोटों को चला दिया। किसी को भी एक पैसा नहीं दूंगा मैं। वो सब रहने दो, प्रॉफिट कितना हुआ? अराउंड 1,000 करोड़। हेलो, कौन है? सुनो कालीदास, सब खत्म हो गया। अब मेरी बेटी भी जाने वाली है। बेटी के जाने के बाद मैं जीकर क्या करूंगा? अब मैं भी मरने जा रहा हूँ। लक्ष्मी, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। लक्ष्मी, लेकिन हम में से एक है जो आएगा, सुपर हीरो। हमारा सुपर हीरो जरूर आएगा। हम पर हुए अन्याय का जवाब देने जरूर आएगा। मेहनत का पसीना सूखने से पहले मजदूरी मिल जानी चाहिए, ये हमारे कुरान में लिखा है। मैं अपने अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, वो सुपर हीरो जरूर आएगा, जरूर आएगा। वो देकर खाएगा, एक एक पैसे का हिसाब देगा वो। तुम लोग जितना चाहे जितना हथियार लेकर क्यों ना आ जाओ, तुम सब लोगों को अकेले ही खड़े होकर सुपर हीरो खत्म कर देगा। सुपर हीरो आएगा, सुपर हीरो जरूर आएगा, आएगा सुपर हीरो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चेन्नई से मुंबई जाने वाली ट्रेन 10 मिनट में ही रवाना होगी। आखिर चक्कर क्या है वीर, तू हमें अचानक भेज क्यों रहा है? चिटफंड से पैसा आने में शायद थोड़ा और वक्त लगेगा, शादी के लिए एक ही हफ्ता बचा है। तुम लोग वहां जाकर तैयारी शुरू करो, मैं जल्दी आऊंगा। चलो। अपना ख्याल रखना भैया। क्या हुआ, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? पैसे संभाल कर। सर, ये हमारा इलाका है, यहाँ पर एक चिड़िया भी अपना पर नहीं मार सकती। क्या हुआ? वो चिड़िया नहीं, किट है। किट है? सुपर हीरो आ गया है सर। Oh!
लोग तेरे पास अपने खून पसीने की कमाई लेकर आए थे, तेरे आधा परसेंट ब्याज के लालच में अमीर बनने नहीं आए थे, लेकिन तूने उनसे उनकी एक वक्त की रोटी भी छीन ली। जीने के लिए क्या चाहिए, दो वक्त की रोटी और तन ढकने के लिए कपड़ा, लेकिन तेरे लालच की कोई सीमा नहीं। प्यास बुझाने के लिए दो बूंद पानी भी काफी है, लेकिन तुझे ज्यादा पानी चाहिए तो पी। नहीं, मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन मेरे द्वारा उन पैसों को दिलवाकर उस सुपर हीरो ने मेरी इज्जत बचा ली है। ये पैसे नहीं मिले होते तो मेरे घर में आज 6 लाशें पड़ी होती। हमारे पास पैसे नहीं, इसलिए मैंने भैया को भी फोन किया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। लेकिन ये सुपर हीरो कौन है पता नहीं, उसने ही हमारी मदद की। मैं पिछले 5 साल से एक टाइम खाना खाकर ये पैसे जमा कर रहा था। अगर ये पैसे नहीं होते तो मेरा लड़का आज मेरे साथ पत्थर तोड़ रहा होता। मेरी पेंशन का पैसा थोड़ा थोड़ा करके जमा किया था, बुढ़ापे में काम आएगा सोचा था। ये पैसे लौटाने वाला मसीहा हमेशा खुश रहे। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, इसे 2 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है सर। आज सुपर हीरो की वजह से मेरी बेटी का ऑपरेशन कामयाब रहा। मेरी जिंदगी का सहारा मेरी बेटी ही है। भगवान सुपर हीरो का भला करे। पूरे तमिलनाडु में वो सुपर हीरो एक मसीहा की तरह छाया हुआ है। उसने एक ऐसी फ्रॉड कंपनी से लोगों का पैसा वापस लाकर दे दिया है, जहां से पैसा मिलना बहुत ही मुश्किल था। आज पहली बार सुपर हीरो की वजह से इन लोगों को अपना पैसा वापस मिला है। इन सबके चेहरे पर खुशी की वजह तुम ही हो। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। वीर सिंह को सुपर हीरो बनाने वाली सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं। उसकी वजह सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ 2 दोस्त और थे। अन्याय को रोकने के लिए हमारे पास जज्बा तो था, लेकिन शक्ति नहीं थी। हिम्मत थी, लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अन्याय करने वाले जिन लोगों को पूरी दुनिया के सामने लाने के बारे में सोचा था, वो लोग अब तक वही कर रहे हैं। कहते हुए भी मेरा दिल दहक उठता है। भोली भाली लड़कियों को अगवा करके उनकी कीमत लगाई जाती है। अपने माँ बाप से दूर रह रही लड़कियाँ, गांव छोड़कर आई हुई लड़कियाँ, अनाथ आश्रम में से उठाकर लाई हुई लड़कियाँ, प्यार में फंसकर अपने प्रेमी के साथ भाग कर आई हुई लड़कियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ, मैंने खुद देखा था उन्हें। उनकी आंखों में मौत का खौफ देखा है मैंने। इसे साइड में कर, ये मेरे काम में आएगी। क्यों बे टकले, तेरा फ्यूज उड़ गया है क्या, जो तू अंधी लड़की मांग रहा है। तो क्या करूं, किसी लड़की के सामने जाता हूं तो मेरा चेहरा देखकर मेरे से डर जाती है, थूक देती है। ये अंधी है ना, इसीलिए मैनेज कर लेगी। चल तू मेरे साथ आ, चल चल ना, चल चल। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं, छोड़ दो इसे। चल भाग, छोड़ दो, छोड़ दो इसे। आजा बेबी, आजा। पकड़े। हे भगवान, सुपर हीरो को भेज दो। जा
अगर उसके बाद तू जिंदा बचा तो मेरे साथ जो मर्जी कर लेना, मैं यहीं पर हूँ। जाओ रे, जाकर उसे काट डालो। इधर ला। चाहती है भैया, लेकिन आप मेरे सामने होते हुए भी मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। मुझे मेरी अंधी होने का अफसोस आज हो रहा है। फिक्र मत करो, ये दुनिया आँखों से उतनी सुंदर नहीं दिखती जितनी साफ और सच्चे मन से दिखती है। भैया चलो चलो, हाँ, गाड़ी में चलो, चलो। हम सभी अपनी जिंदगी से हार चुके थे, लेकिन हमें दोबारा जिंदगी देने वाले सुपर हीरो को नहीं भुला पाएंगे। बोल छोटी। क्या भैया, आप तो वहीं क्यों कर रह गए, कब आएंगे? मैं जल्दी आ जाऊंगा। शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? वो सब यहाँ के लोग अच्छी तरह देख रहे हैं। पास में कौन है? नंदिनी। दो उसे फोन दो। कावेरी, दूध देने जा रहा हूँ मैं। बोलो ना। तुम छोटी के साथ हो इसलिए मैं यहाँ शहर का काम निपटा पा रहा हूँ। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ, तुम मुझे दो। भैया वो सब छोड़िए, पहले बताइए आप कैसे हैं। मेरी बात छोड़ो,
मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ मेरे साथ कोई है और वही मेरा सब कुछ है। इसी ने मेरी जिंदगी को नया मकसद भी दिया है। भैया वो कौन है? जब मैं वापस आऊंगा उसे अपने साथ जरूर लाऊंगा। खिल गए दिल दिल से मिलके, हो तुम ही हम राज दिल के। अब मेरा ख्वाहिशों पे कोई ना बस रहा, मीठे मीठे बोल तेरे घोले मिसरी सिरे कानों में। खिल गए दिल दिल से मिलके, हो तुम ही हम राज दिल के। अब मेरा ख्वाहिशों पे कोई ना बस रहा, मीठे मीठे बोल तेरे घोले मिसरी सिरे कानों में। जुदा होना मुझसे अब मिलके, देखे हैं सपने तेरे ही हमने। हम दिया पाती फूल और पाती, चढ़ गया जादू अब तेरा रात दिन। क्या जीना तेरे बिन, हम आशिक हैं तेरे। मिले हैं हम तुम मिल गए पागल पागल रे। आज है हम तुझ में खोए खोए रे। नींदों में तू समाई, सांसों पे तू ही छाई, यारा तू आई यारा आई। सबसे है तू ही प्यारा, तू ही तो है हमारा, तू ही तो है हमारे। खिल गए दिल दिल से मिलके, हो तुम ही हम राज दिल के। अब मेरा ख्वाहिशों पे कोई ना बस रहा। दिल में हो हलचल तुझको यूं छू के, नैन मेरे हैं तेरे नैनों के भूखे। जीने ये लम्हे तू भी संग मेरे, तू सनम मेरा हम सनम तेरे। तुझे देखूं तो आए चैन दिल को रे, रंग तेरे ही भरे हैं मुझ मेरे मुझ में। साथी प्यारा जहाँ है तू ही सारा, तुझसे है सारे मेरे सपने जुड़े। हम भी अब तेरे हुए तेरे लिए ही जिए, अब तो बस तू ही मिले। खिल गए दिल दिल से मिलके, हो तुम ही हम राज दिल के। अब मेरा ख्वाहिशों पे कोई ना बस रहा, मीठे मीठे बोल तेरे घोले मिसरी सिरे कानों में। अच्छे लोगों की आंखों में खुशी और बुरे लोगों की आंखों में डर पैदा करने वाले सुपर हीरो को लोग इस तरह से महसूस कर रहे हैं। सुपर हीरो, I'm the crazy fan of superhero. I want to know who is the superhero. लड़ाई करके जीतने से अच्छा है कि अगर एक गरीब की मदद की जाए तो वो देश कभी गरीब हो ही नहीं सकता है। सभी नकली नोटों को जलाकर
एक अच्छा जवाब दिया है उन बुरे लोगों को सुपर हीरो ने। मेरे बेटे का सपना था कि वो एक होटल खोले, आज वो सपना पूरा हो गया है और इसका कारण है सुपर हीरो। भगवान उसका भला करे। सिर्फ मैं ही नहीं, उनकी वजह से और भी लोग इतने खुश हैं कि उनकी आंखों की खुशी करोड़ों रुपए देकर भी नहीं खरीद सकते हैं। उसके बाद भी गलती करने वाले ही नहीं, गलती करेंगे ऐसा सोचने वाले भी अगर कोई जमीन पर जिंदा है तो वो अभी भाग जाए, वरना तुम सबको कुत्ते की मौत मारेंगे। हमारे सुपर हीरो, सुपर हीरो। तुझ पर यकीन करने वालों का यही अंजाम होगा। कहीं भी बॉम्ब रखता हूँ तो ढूंढ लेता है ना। आज शहर में 3 जगह पर बॉम्ब रखे हैं। बचा सकता है तो बचा ले अपने शहर को। इसका जानने वाला कोई आया है क्या? उसकी माँ यहाँ आई हुई है। मंदिर में या मार्केट में, कहां? सभी जगह जाकर मुझे ढूंढने को कह रही हो? बॉम्ब नहीं, बॉम्ब को रखने वाले को ढूंढने की जरूरत है। हेलो सुपर हीरो, कहां पर हो? तुम जिस सुपर हीरो को ढूंढ रहे हो वो मिल गया है। आज मिस नहीं होगा, उसे मैंने अंदर बंद कर दिया है। आज सिर्फ एडवांस नहीं, पूरा ही पैसा चाहिए, लेकर आओ। छोटे मंत्री, ये पकड़ पैसे और बता कहाँ है वो? अंदर है साहब। ढूंढ उसको। ये दरवाजा तूने क्यों बंद किया? सुपर हीरो कौन है करके तूने मुझसे पूछा? मुझे कौन ढूंढ रहा है उसने मुझसे पूछा। उसके बावजूद भी नहीं बताता क्या? मैं पीछे देख जरा। अच्छा तो तू है सुपर हीरो? सुपर हीरो के लिए 50 लाख रुपए देने वाला कौन है? ये जानने के लिए मैंने ये 5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन उसके सामने ये पैसे इसके बराबर है। बॉम्ब्स कहाँ रखे हैं? जल्दी बता। नहीं जानता। अपनी जान से मत खेल, बता दे इन्हें। लोगों को जान से मारना तुम लोगों के लिए है ना? बता। वो दो बॉम्ब झूठे हैं। सबके पीछे इब्राहिम का हाथ है। शहर में बॉम्ब है बताकर तुझे और पुलिस वालों को भटका कर एक ट्रेन को अगवा करने वाला है। आ,
प्लान ये है कि हमें यहाँ से सीधे इस फैक्ट्री के अंदर जाना है। यहाँ दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल बनाया जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगर फैक्ट्री की ये गैस किसी तरह लीक हो जाए तो आसपास के ये सारे गांव बर्बाद हो जाएंगे और यहाँ पैदा होने वाले बच्चे भी विकलांग पैदा होंगे। फैक्ट्री में सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी। हमें इस ट्रेन को फैक्ट्री में ले जाना है तो गुड्स ट्रैक के जरिए ही जाना होगा। हजारों टन की ये ट्रेन जब 200 किलोमीटर की रफ्तार से फैक्ट्री के केमिकल से टकराएगी तो उसे देखकर हमें बहुत सुकून मिलेगा और सेहत को मिलेगी एक ताकत। यह आज तक के सेहत की सबसे बड़ी सफलता होगी। अभी कुछ देर में अमीर और सुल्तान अगले स्टेशन में स्टेशन मास्टर को खत्म कर देंगे और यहाँ से निकलने के बाद ये ट्रेन हमारे कब्जे में आ जाएगी। ओके सर। सर, उस रूट के स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म करने पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। सर, फोन ही नहीं उठाता। अबे तूने मुझे नहीं ढूंढा, यमराज को ढूंढा है। Thank you.
बे चुप। गलत काम करने वाले को कभी अल्लाह का नाम लेने का हक नहीं है। तेरी ऐसी करतूतों की वजह से मुस्लिम लोगों के सामने हिंदू अपनी दोस्ती का हाथ भी नहीं बढ़ाएगा। हिंदू मुस्लिम में दरार डालता है। चल बे। सर 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 नमस्ते सर। सर सुपर हीरो ने इसे आपको सौंपने को कहा है, ये लीजिए सर, ये है गुनेगार। और सुपर हीरो ने ये भी कहा था सर कि मेरे हाथों की मार खाने के बाद ये बेहोश पड़ा रहेगा और एक घंटे बाद ही इसे होश आएगा। और बहादुरी से मैंने इसे पकड़ रखा था सर। मैं चलता हूँ सर, बाय। सुनो भाई सुनो, वो सुपर हीरो अगर दोबारा मिले तो मुझे भी बताना, करोड़ों लोगों के साथ साथ एक फैन मैं भी हूँ उसका। बोलूंगा सर। बात ये नहीं है, ये मेरा गांव है, यहाँ मेरी थोड़ी इज्जत है। इतनी छोटी सी बात तेरे समझ में नहीं आती यार। पहना। चल बाजू हट, अपनी बहन की शादी में आया 3 दिन पहले, तो इज्जत नहीं होगी क्या? ये दूल्हे के लिए है। ले पकड़ इसे, लाओ लाओ लाओ, मैं पहनाता हूँ। आइए आइए, तो स्वागत की तैयारियाँ कैसे लगी? हमारा स्वागत बैंड बाजे के साथ कर रहे हैं। आइए आइए, बजाओ बजाओ। भीड़ देख के तो लगता है बहुत सारा दहेज मिला होगा शादी में। पैसों को दबा कर सामान जो छूटेगा उसे पकड़ लूंगा यार। हमारे शहर में मुर्गी पकड़ते हैं, बकरे पकड़ते हैं, तुम्हारे शहर में जो छोड़ता है उसे भी पकड़ते हैं। मजे ले रहा है क्यों बे सड़े हुए? आपकी पैदाइश बहुत मेहनत का काम किया, जो अमिताभ बच्चन जैसा पोज बना के खड़ा है। चल जा यहाँ से। यहाँ पर जो छोड़ते हैं उसे पकड़ते वक्त संभाल के पकड़ना पड़ेगा। नंदिनी, मैंने कहा था ना एक लड़की है जो मेरे पीछे पागल है। ओह हाय, हाउ आर यू? इसे और इंग्लिश। चलो चलो चलो। कौन हो तेरा? भैया। क्यों बेटी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? काका। हाँ बोलो बेटा। दूल्हे को कहाँ ठहराएंगे, कुछ सोचा? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि दूल्हा हमारे ही घर रुकेगा, लेकिन भाई साहब पीछे पड़े हैं कि दूल्हा इनके घर में रुकेगा। दूल्हा कहीं भी ठहरे, लेकिन खाना हमारे घर ही खाना होगा। ये सारी सजावट मैंने की है, तुम्हें कैसी लगी वीर? अच्छी है। आवाज जी के रहने की व्यवस्था हो गई, चलो अपने अपने घर चलो चलो। सब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। इन्होंने सब कुछ मेरे लिए किया, इनका एहसान कैसे। छोटी, मैंने कहा था ना शहर में मेरा ख्याल रखने के लिए कोई है, वो ये है। ये शहर वाली बड़ी विलन है। करेक्ट। इसे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल मत छोड़ना। वीर वीर, मैं इसे अपने घर लेकर जाती हूँ। भैया, इन्होंने वहाँ का इतना ख्याल रखा, तो अब यहाँ पर मैं इनका ख्याल रखूंगी। सही कहा। तो ठीक है ठीक है, मैं यहीं रुक जाती हूँ, बहुत सारे काम है ना। अबे कहाँ चले गए ये सब, यहाँ चप्पल की रखवाली करने छोड़े हैं क्या मुझे? बॉस मेरे घर चलो ना। पहले तुझे तेरे घर में रखेंगे कि नहीं ये पूछ। हाँ रखेंगे ना बॉस, आओ ना मेरे साथ सोएंगे। तेरे साथ सोने से अच्छा है कि मैं किसी तबेले में सो जाऊं। चल जा यहाँ से, गर्म हवा छोड़ेगा, चल भाग यहाँ से। छोटी। हाँ भैया। शादी का जोड़ा मैंने अलमारी में रखा है। तो पैसे भी इसी अलमारी में होंगे, अभी लेकर निकलता हूँ। तू तब से यही खड़ा है ना? क्या तूने पहले से ही देख लिया था? वो तू अलमारी खुली है और उसमें पैसे रख के चला गया, तो मैं पहरेदारी के लिए यहाँ खड़ा था। अच्छा इसलिए? हाँ। मुझे पता है जब चोर आता है वो अलमारी से पैसे चुराता है, इसलिए मैंने संभाल कर अलमारी के ऊपर पैसे रखे हैं। कैसी रही? दिन में तो पैसे नहीं निकाल सका, रात ही चोरी का सही समय होता है। कौन है? क्या हो गया माँ, क्यों गला फाड़ रही हो? क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? अरे चोरी करने के चक्कर में मैं खून ही ना बन जाऊँ यार। क्या हुआ दादी? वीर, आज यहाँ सब नीचे क्यों सोए? क्या हुआ दादी? उधर से कुछ दिखाई नहीं देता बेटा, पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। एक अंधी बुढ़िया के चक्कर में क्या क्या कर दिया मैंने।
मेरे भाई का जरा सा भी हाथ नहीं है, अब मैं उन्हें अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगा? मैं जीने के लायक नहीं हूँ। सुपर हीरो वीर सिंह द्वारा पकड़े गए टेररिस्ट के लीडर मुजम्मिल इब्राहिम होम मिनिस्टर के यहाँ ड्राइवर का काम कर रहे थे। ऐसी स्थिति में कई तरह के सवाल उठते हैं। उनके भाई के बयान के मुताबिक पैसों के लालच में मंत्री जी ये काम कर रहे थे। अंदेशा जताया जा रहा है। आतंकवादी को पकड़वाने वाले वीर सिंह की प्रशंसा की गयी है। देखा तुम सबने, मेरे भाई के नाम वाले सभी सुपर हीरो होते हैं। कमीनी, आँखों से इशारा कर रही है, दोनों आँखें नोच लूंगी इसकी। अब देख मैं क्या करती हूँ। पैंट शर्ट पहन कर मेरे वीर पर जादू चला दिया है। अगर तू भारती है तो मैं नंदिनी हूँ। क्यों मैं छोटी की शादी पर नारियल छोटे छोटे आए? अगर अंबानी के यहाँ भी शादी होती ना तो नारियल ऐसे ही होते, टेंशन मत दे। यही मुझे बहुत पसंद है। पसंद आया ना भैया, मैंने ही पहनने के लिए कहा था। ये कौन है? मैं हूँ मैं। अरे नंदिनी, ये क्या हो गया तुम्हें? ये तुम्हारी पहली क्लास की यूनिफॉर्म है ना? हाँ भैया, वही है। ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरा इसे देख कैसी लग रही है, इसे कुछ सीख। जा 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 अंदर जा, कपड़े बदल, जा जा सीख। थू भाई का फोन है। बोल। आपने जैसा कहा था वैसा ही मैंने सुबह बोल दिया। अब तो सबको भरोसा हो गया होगा ना कि आपका इसमें कोई हाथ नहीं है? तू मरेगा तो भरोसा यकीन में बदल जाएगा। क्या मैं सच में कोई चोर हूँ या फिर खुद को चोर समझकर धोखा दे रहा हूं? ये तुझे क्या हुआ, ये तूने क्या किया, तेरे मन में इसका डर है क्या, ये तूने क्या? ओ चुप करो, ये सब क्या है? पुरानी फिल्मों में जैसे अंतरात्मा अलग अलग जगह से आती थी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से मुझे टेंशन दे रहे हो क्या? चलो भागो यहां से, मैं चोर बनकर दिखाऊंगा। मैं चोर बन गया। अरे साले साहब, वो अपना स्पीड है ना, उसने कैसे भी करके उन पैसों को चुरा ही लिया। अरे काम कीजिए, जाकर अपने चोर पकड़े जाते हैं तो पुलिस वालों को फोन करते, लेकिन ये तो रिश्तेदारों को फोन कर रहा है। मैं चोर हूँ, ये बात तुम पहले से जानते थे क्या? हाँ पता था, और तू चोरी करने के लायक नहीं ये भी पता था। अच्छा सुन, तू क्या है, तेरा स्टेटस क्या है, क्या कर सकता है, यही देखने के बाद तुझे काम करना चाहिए, समझा ना? तो भाई तीसरी रील में ये बात बोल दिया होता। ये जो तूने इतनी ईमानदारी से चोरी किया ना, दरअसल ये पैसे मेरे नहीं है, शहर में तूने मुझ पर और मेरे परिवार पर खर्च किए थे वही। अपने पैसों को चुराने की इतने दिन से कोशिश कर रहा था मैं, ऐसी गिरी हुई घिनौनी बेइज्जती किसी चोर को बर्दाश्त नहीं होगी। वीर, एक बात पूछूं क्या? मुझे देखकर तुम्हें भजनलाल सेठ की याद आती थी कहते थे ना, उस भजनलाल सेठ को देख सकता हूँ मैं? भजनलाल सेठ? मैं देख भी लिया और समझ भी गया और अब सुधर भी गया। ये लो, चलता हूँ सेठ जी। मेरे वीर पर जादू चलाकर चैन से सो रही है,
ये जादुई अड्डा है, इसे रखा तो समझ ले तेरे दिल से मेरा वीर निकल जाएगा और उनके दिल से तो निकल जाएगी। जल्दी 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 निकल जाओ। वो वाले निकालो। सर आपके लिए क्या निकालूं? निकाल, आप जिससे शादी कर रहे हैं पहले उसके बारे में तो बताइए, उनका रंग कैसा है, तब तो दूंगा सर आपको मैं। समझो इनके लिए, ये रंग तुम पर अच्छा लग रहा है तो उस पर भी अच्छा लगेगा। मैं नंदिनी की बात कर रहा हूँ, उसके होठों पर रात दिन हमेशा सिर्फ मेरा ही नाम रहता है। वो मुझे जान से ज्यादा प्यार करती है, मैं भी उसे प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी में बहुत अहम हो। छोटी की शादी के बाद तुम्हारे हाथों से उसे साड़ी दिलवाकर अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहता हूँ। और कहूंगा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, उससे पहले उसके साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। वो क्या है ना कि तुम्हें मेरे पास रहने का, थोड़ा करीब रहने का नाटक करना होगा बस। और वैसे भी मुझे छोटी की शादी के बाद उसी के पास उसी के करीब रहना है। ये साड़ी तुम्हारे वीर ने उसके लिए ली है जिसे वो बहुत प्यार करता है, और वो मैं नहीं हूं, तुम हो। सच में? अब तो तुम्हें मेरे तकिए के नीचे जादुई अंडा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। मुझे माफ कर दो। भाभी तुम भी इनके साथ मिल गई थी ना? और क्या, मेरे भैया तो आसानी से थोड़े ही मिल जाएंगे। पिताजी खुश रहो बेटी। क्या तुम भी ना, थोड़ा और सताने देती, तुमने तो भांडा ही फोड़ दिया। वीर, अरे एक वीर रुक जा। मम्मी। क्या मम्मी? अरे कोई आओ, छोटे बच्चे को बचाओ। आता है बचाने, देखती हूँ। कल तुम्हारी बहन की शादी है ना, और तुम्हें ये सब सूझ रहा है? थोड़ा सब्र रखो। अरे भाई मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी बाहर निकलवा लूँ, लेकिन छोटे के जेल जाने के बाद से सीबीआई की नजर तगड़ी हो गई है, बस वही प्रॉब्लम है। तो वो कर जो मैं बोल रहा हूँ। वरमाला का मुहूर्त हो गया। मुसलमान, मैं भी एक मुसलमान, तू मुझे रोक रहा है? मैं इस देश के पूरे मुसलमानों की भलाई के लिए लड़ रहा हूँ, और तू भी एक मुसलमान है। चुप, चुप कर। आज तुम्हारे देश में मुस्लिम जितना ज्यादा सेफ नहीं है, उससे ज्यादा तो इंडिया में सेफ है। अपने चहेते बिन लादेन को भी तुम लोग नहीं बचा पाए बे। तू कितना भी कसाब भेज दे, हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे जैसे आतंकवादियों को पकड़ कर उनको सजा दिलवाना ही हमारा असली धर्म है बे। तुझे लगता है कि मैं मुस्लिम होकर देश के साथ खेलता हूँ? इंडिया के साथ वफादारी करके तूने मौत को बुलावा दिया है। तू मुझे मार सकता है, लेकिन तू अपनी मौत को नहीं बचा पाएगा। सुपर हीरो तुम सबको खत्म कर देगा। ये मत सोचना कि तू अकेला मर रहा है, तेरे साथ सुपर हीरो को भेजने का इंतजाम भी कर दिया है, वो बस आता ही होगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब अगर आप मेरा प्रमोशन करवा देंगे तो मैं बहुत ऊपर चला जाऊंगा। तो जाओ।
क्यों आप तो मर चुका हो ना? पिता के स्थान पर अब तुम्हें ही सब करना है। बाहर का काम देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तुम बैठो वीर बेटा। लगभग लगभग खाने पीने के सारे इंतजाम हो चुके हैं। भैया। बोलो बेटा। ये लीजिए भैया। कौन अभी से ही? ये किसने दिया? वहाँ एक अंकल है, उन्होंने दिया। उधर क्या देख रहे हो बेटा? रस्म तो पूरी करो। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, तुम ले जाओ बेटी। हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे भाई। गिफ्ट देकर कहीं शिफ्ट होने की सोच रहे हो क्या? आओ भाई आओ। चलेगा भाई। खाना खाए हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हमारे यहाँ शादी का रिवाज होता है। आओ आओ। अरे चलो ना। अरे ऐसे नहीं होता है। मैं रस्ते में खा लूंगा। अरे नहीं 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 पड़ेगा तुझको। अरे समझता नहीं है अब्दुल, उसने मारा क्यों तुझे? पता नहीं यार, सर को बोला कि खाना खाकर जाओ तो उन्होंने हमें एक थप्पड़ मार दिया। चलो निकलो यहाँ से। हाँ हाँ चलो चलो बाहर चलते हैं। चलो आओ। हाँ बेटी तुम आप लोग जाओ, मैं यही रहूंगी। ठीक है, सिर्फ रहने दीजिए। ठीक है। हाँ कम ऑन, मुझे मार डाल। क्या देख रहा है तू? कुछ ही देर बाद तेरे घर में ब्लास्ट। भैया फोन यहीं छोड़ गए। हेलो सुपर हीरो, मेरे भैया। हेलो के लिए।
अपनी जान दे दी। सबको एक खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। हमारे देश में आया आतंकवादी इब्राहिम सड़क दुर्घटना में मारा गया है। उसे पकड़ने वाले सुपर हीरो को मैं आपसे मिलवाने वाला हूँ। आप सब लोगों का यहाँ पर जी के द्वारा सुपर हीरो लोगों के सामने आ रहे हैं, ये सूचना तेजी से पूरे राज्य में फैल रही है। ये सुनकर लाखों तादाद में बच्चे, आदमी, औरत और बूढ़े लोग बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत करने के लिए आएंगे, ऐसा माना जा रहा है। एक दो लोग नहीं, सुपर हीरो को देखने लाखों लोग आने वाले हैं। देखने वाले उन्हें बहुत उत्साह से देखेंगे। मैं जब तक ना कहूँ तब तक कोई भी किसी तरह का एक्शन नहीं लेगा। बताने का वक्त आ गया है वीर कि असली वीर सिंह कौन है। चलो चलो अभी आ गए, आ चलो सुपर हीरो बनेंगे। Hey!
मेरे हथियार, मेरे लोग, मेरे पैसे, सब कुछ तूने खत्म कर दिया, लेकिन उन सब से बढ़कर तूने मुझे ये हथियार दे दिया है, बहुत बड़ा हथियार। मैं हूँ सुपर हीरो, मैं हूँ सुपर हीरो, मैं हूँ सुपर हीरो, मैं हूँ सुपर हीरो। अब सिर्फ तू ये बात जानता है कि मैं आतंकवादी हूँ, लेकिन बाकी लोगों के लिए आज मैं एक सुपर हीरो हूँ। मैं इस शहर की शांति को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। क्या कहा था तूने? लोगों को भरोसा है कि मसीहा हमेशा उनकी मदद करेगा, लेकिन अगर वही मसीहा खुद उनका ये भरोसा तोड़ दे तो सोच उस जनता की क्या हालत होगी। आज के बाद जनता को यकीन हो जाना चाहिए कि उनकी मदद करने वाला कोई नहीं। हमें कितना टॉर्चर किया जानता है? ये पीछे से वार करने वाला बुजदिल कौन है? दम है तो सामने। ए, ए, दम देखना चाहता है? इस राज बिहारी को देखकर बोलता है दम? इतना आगे काफी है ना, या फिर और आ गया हूं मैं? टेप मुझे दो। इसे हमारे एमडी को दिखाकर किसी भी तरह से लाइव टेलीकास्ट करना होगा। मैं स्टेडियम में जाकर सभी को यह दिखा दूंगी। ए, ये भागने न पाए। ठीक है भाई। आप सब लोग इतनी देर से जिस सुपर हीरो का इंतजार कर रहे थे वो बस आपके सामने आने वाला है। जल्दबाजी मत करना, खुद पर भरोसा करने वाली जनता की तबाही देखने के बाद ही मरना। और अब थोड़ी देर में आपके सामने आ रहा है सुपर हीरो। आप सब लोग मदद कीजिए हमारे एक सुपर हीरो का। पता था कि सुपर हीरो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन इतना अच्छा लगता है ये नहीं पता था। मुझे बहुत खुशी है, मैंने जो आज तक किया वो मामूली काम थे, लेकिन आज सुपर हीरो पर भरोसा करने का इनाम तुम्हें मिलने वाला है। मैं तुम्हारा शहर नेस्त नाबूद करने आया हूँ। आज तक सुपर हीरो तुमको बचाता आया है, लेकिन आज तुम्हारा वही सुपर हीरो तुम्हें खत्म करने के लिए आया है। भैया, भैया,
मत करो, थोड़ी दूर जाकर रिमोट दबाना। देखो स्टेडियम के एलसीडी का आउट कहाँ है। सभी सुपर हीरो को देखने आए हैं ना? कल कोई भी आकर कहेगा कि मैं सुपर हीरो हूं तो उसके बहकावे में आ जाओगे? अभी भी तुम सब सुपर हीरो कहकर नाच रहे हो, अपनी परेशानी मेरे सिर बांधकर खुद बचकर भागना चाहते हो ना? और सुनो, मैं भी सुपर हीरो को तुम्हारी तरह बाहर ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूं, लेकिन मुझे बाहर कहीं भी सुपर हीरो नहीं मिला। आखिरकार मैंने ढूंढा तो अपने अंदर की ताकत और हिम्मत को। अगर तुम अभी ये बात नहीं समझते तो मुझ पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं, मेरे कोई मायने नहीं है। सुपर हीरो जो तुम में है, मुझ में है, हर एक आम इंसान में है, लेकिन उससे मेरी पहचान करवाई एक लड़की ने। उस लड़की में अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत है, और वो ताकत कुछ और नहीं, वही सुपर हीरो है। खुद की जान देकर मेरी छोटी बहन ने दूसरों की जान बचाई, वो भी एक सुपर हीरो थी। उसकी वो हिम्मत, वो त्याग, वही सुपर हीरो था। तुम सब आज मेरा ये रूप देखकर अपनी ताकत भुला मत देना, क्योंकि अगर एक छोटे से गांव में दूध बेचने वाला आम इंसान खुद को पहचान कर सुपर हीरो बाहर निकाल सकता है, तो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ सुपर हीरो बाहर नहीं आ सकता क्या? हमें भूख लगी हो तो हम खाते हैं, हमें नींद आती है तो हम सोते हैं, खुशी के मौके पर हम हंसते भी हैं, लेकिन जब हमारे साथ अन्याय होता है तो उसके खिलाफ लड़ने के बजाय हम किसी और के आने का इंतजार क्यों करते हैं? क्यों नहीं, हमें अन्याय का सामना खुद ही करना होगा। 5 साल बाद अपना गुस्सा दिखाते हो तो सरकार बदलती है ना, वैसे ही तुम सब नींद से जाग जाओ तो राजनीति ही बदल जाएगी। इस कायर ने मुझे पूछा था, एक जगह बॉम्ब रखता हूँ तो ढूंढ लेते हो, 3 जगह रखता हूँ तो कैसे ढूंढ पाओगे?
तीन जगह क्या 30 जगह रख लो। 30,000 जगह रखने पर भी उन्हें ढूंढने के लिए 30,000 सुपर हीरो पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल सही, अच्छा हुआ हमारे सुपर हीरो ने हमें उस आतंकवादी से बचा लिया, और इस समय मैं उनकी एक एक बात को सच करने का वचन देता हूँ। लोगों की भलाई के लिए हम और वो एक साथ हैं। अपने से पहले वाले होम मिनिस्टर को मारकर मैं होम मिनिस्टर बना हूँ। वो आपके साथ नहीं आया इसलिए मैं अपना राज चलाऊ, उन लोगों के रहते थोड़ा बहुत पैसा बना लूं। और तूने बीच में आकर सब पर पानी फेर दिया। आज सब लोग साथ में जाने वाले हैं ऊपर। इस स्टेडियम के चारों ओर बम लगा दिया गया है। हम रिमोट का बटन दबाकर इस देश को ही छोड़कर जाने वाले हैं। देख लिया, इस कमीने को अपने देश में कब्र भी नसीब नहीं होगी। लेकिन ये तो खुद के देश की जमीन को भेदने वाला देशद्रोही है। देशद्रोही के साथ क्या सलूक करना चाहिए ये जानते हो ना? जगाओ अपने अंदर के सुपर हीरो को। मारे, 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 मारे,